हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की CUHP। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एंड यस, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ना इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि है CUHimachal.ac.in। जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यूट्यूब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो और भी इन्फॉर्मेशन्स को एक्सप्लोर वगैरह कर लीजिएगा। देन यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा नोटिफिकेशंस का सेक्शन। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है ना अनाउंसमेंट, अपकमिंग इवेंट्स एक्सेट्रा। सो इसमें स्टूडेंट नोटिसेस पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपको फर्स्ट नोटिस ही दिख रहा है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा। ये है नोटिफिकेशन का लिंक, ठीक है। सो दो लिंक्स आपको फर्स्ट सेकेंड दिख रहे हैं, तो आप नोटिफिकेशन यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप अप्लाई ऑनलाइन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। समर्थ पोर्टल या ये जो एप्लीकेशन पोर्टल है ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर भी ये जो नोटिफिकेशन है व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। व्यू डॉक्यूमेंट अभी आपको दिख जाएगा ये, राइट। सो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ जो मेन्यू टैब दिख रहा है ना इस पर, ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। सो देखिए, यहाँ पे आपको पब्लिक नोटिस, प्रोस्पेक्टस, वेबसाइट स्केड्यूल या शेड्यूल, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसी पोर्टल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है। सो हो गया ना, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन। सो यस, ये है नोटिफिकेशन, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा नोटिफिकेशन है ये 2023 का। एंड ईमेल आईडी वगैरह आपको स्टार्टिंग में भी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी। सो अगर आपको जनरल कोई क्वेरी हो और कोई कांटेक्ट ना हो पाए तो इस ईमेल पे भी आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, बाकी आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। न्यूनतम पात्रता क्या है? सो मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% मार्क्स की है। सो आपने स्नातकोत्तर किया हो, स्नातकोत्तर परीक्षा में आपको कम से कम 55% अंक प्राप्त हुए हों, अगर ऐसा है तो जी हाँ, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, विषय दिए हुए हैं, डिसिप्लिन दिए हैं, सब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे भाग लेने के लिए जो विनिर्दिष्ट विषय, मतलब एलाइड सब्जेक्ट आइकन से, सो ये मेन सब्जेक्ट्स हो गए। बट अगर आपकी डिग्री इसमें नहीं, इनमें से किसी में है, तो भी आई थिंक यस आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा हमें, तो सब्जेक्ट्स के नाम या बाकी चीज़ें अब हम इंग्लिश में देखेंगे। सो बात करते हैं इंग्लिश नोटिफिकेशन की। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बता दिया, पीजी एग्ज़ाम, पीजी डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल एंड दिव्यांगजनों के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, राइट। अब ये हो गए सब्जेक्ट, एंड इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका पीजी में है एंड आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। सो हम मेन सब्जेक्ट्स देखेंगे, आप एक बार देख लीजिएगा कि आपने इनमें से किसी में डिग्री ली है या नहीं, अगर है तो आप एलिजिबल होंगे। सो सब्जेक्ट्स में मैनेजमेंट इज देयर, देन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, देन सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म, देन एनवायरमेंटल साइंसेस, फिजिक्स केमिस्ट्री एनिमल साइंस प्लांट साइंस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स, देन मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, इंग्लिश हिंदी संस्कृत जर्नलिज्म एंड मास कॉम न्यू मीडिया इकोनॉमिक्स सोशल वर्क सोशियोलॉजी हिस्ट्री पोल साइंस दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज, देन जम्मू कश्मीर स्टडीज एजुकेशन, देन विजुअल आर्ट्स एंड योगा स्टडीज। तो 27 ओवरऑल डिसिप्लिन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, द कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम एंड नीड नॉट अपियर इन एंड क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली अगर GRF है या NET है, SET है, SLET है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे है, एक सर्टिफिकेट इशू होगा उन कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाई करेंगे शोध पात्रता परीक्षा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो 50% मार्क्स अगर होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, राइट। सो ये हो गया कि हाँ आपने क्वालिफाई कर लिया एंड ये 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो क्या होगा कि अब अगर नेक्स्ट ईयर 24 में फिर से एंट्रेंस हो रहा है तो आपको वो नहीं देना होगा, क्योंकि वो 2 साल के लिए आपका अभी वाला सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। तो यस, बस यही बात है कि दिस सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर द 2 ईयर्स। एंड नेक्स्ट है जो कैंडिडेट्स एलिजिबल, मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, इशू डेट से नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए आप एलिजिबल होंगे, डायरेक्टली इंटरव्यू प्रोसेस में पार्ट ले पाएंगे, ठीक है। सो यस, इसके बाद है वो कैंडिडेट जिन्होंने
ये वाली एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, फिर उन्हें इसी के इक्वलेंट माना जाएगा एंड वो भी एग्जेम्प्टेड होंगे। देन यहाँ कंपोनेंट्स हैं, सो देखिए दो मतलब पेपर्स की बात कर रहे हैं, तो पहली बात कि 60 एमसीक्यूज होंगे, एक एक नंबर का पेपर होगा, ठीक है। सो इसमें पेपर वन जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड सभी के लिए सेम होगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, क्वांट वगैरह के क्वेश्चन होंगे। देन पेपर टू अगेन 60 मार्क्स, तो 60 मार्क्स का हो गया। सो इसमें क्या होगा कि इसमें आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के होंगे, एंड उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा वो भी यहाँ लिखा है। मेनली जो भी आपके सब्जेक्ट में यूजीसी या सीएसआई नेट होता है उसका ही सिलेबस यहाँ भी फॉलो होगा, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, अगर नेट और नेट के दोनों यूजीसी या सीएसआई जो भी है, सो उससे आपको हेल्प मिलेगी। सो एनीवे पेपर वन हो गया, पेपर टू हो गया, ये थी इन्फॉर्मेशन, राइट। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एंड आप एक आंसर ऑफकोर्स ओएमआर शीट पर होगा, तो ऑफलाइन मोड से ही होगा, ये भी है। देन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दो आर का पेपर होगा। कहाँ होगा, तो COHP आपको इसी यूनिवर्सिटी के सेंटर मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस जाना होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांगड़ा है हिमाचल, तो आप वहाँ जाना होगा, तो ठीक है जाएगा और इन्जॉय भी कर सकते हैं आप। सो एनीवे आफ्टर दैट ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। देन इम्पॉर्टेंट नोटिस तो है, बट वही है कि सिर्फ क्वालिफाई कर लिया आपने एंट्रेंस, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एडमिशन हो जाएगा, फिर इंटरव्यू होता है, फिर आप कंसिडर किए जाएंगे कि एलिजिबल हैं या नहीं है। एंड इस बार नहीं होता तो अगले दो साल के लिए तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप दो साल और इंटरव्यू दे सकते हैं विदाउट गिविंग एंट्रेंस टेस्ट, राइट। आफ्टर दैट यहाँ एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं, सो देखिए लिंक दिखा दिया था ना, उसी के थ्रू आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, राइट। एप्लीकेशन फी 500 है जनरल कैटेगरी के लिए इंक्लूडिंग EWS OBC, ठीक है। तो जनरल OBC EWS आपके लिए 500 है, एंड OBC क्रीमी लेयर वाले। देन OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL तो आपके लिए 400 है, बाकी SC ST दिव्यांगजनों के लिए 200 है, 200। देन यहाँ पे शेड्यूल है, सो देखिए 30 जून लास्ट डेट है, 14th से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आया था, लास्ट डेट है 30 जून, एंट्रेंस होगा 16th of July को, राइट, 16th July, फिर 25th तक रिजल्ट आ जाएगा। कुछ भी पोस्ट से सेंड नहीं किया जाएगा, एंड बाकी हॉल टिकट जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आप 10 जुलाई से डाउनलोड कर पाएंगे सेम पोर्टल के थ्रू, राइट। किसी तरह की अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप admission@hpcu.ac.in पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड ये रहा नंबर, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उनके लिए यहाँ भी नंबर एंड ईमेल आईडीज हैं, इन्हें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये था नोटिफिकेशन, अब हम वन बाई वन कुछ भी जो और भी चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। सो बात करेंगे अब प्रॉस्पेक्टस की, तो देखिए 103 पेजेस का प्रॉस्पेक्टस है। रीज़न यही है कि सारे कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ओवरऑल कैंपसेस कहाँ कहाँ है, तो धौलाधार में भी है, शाहपुर में भी है, सिंधु में भी है। सो यस, इसी तरह से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यूट्यूब का भी इनका चैनल है, सो फॉलो कर लीजिएगा, या फिर आई विल ट्राई कि मैं लिंक दे दूँ, तो देखते हैं हम, अभी मैंने चेक नहीं किया है। सो यस, बाकी यहाँ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हैं, सो देखिए इसमें आप देख सकते हैं आपके इन्फॉर्मेशन, लाइक आप को जो चाहिए इन्फॉर्मेशन वो कहाँ है, एंड डायरेक्टली आप उस पेज को उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। मैं अभी सारा नहीं डिस्कस कर रही, जो PhD स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया, सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। सो देखते हैं बाकी फेलोशिप का भी देखते हैं अगर इसमें इन्फॉर्मेशन हो तो। सो देखिए जैसे यहाँ पे PhD प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एंट्रेंस के बारे में, कौन कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं, ये वो है। बाकी इनमें से ये रिक्वायरमेंट से रिलेटेड भी है, तो या तो एंट्रेंस हो, नहीं तो इनमें से कोई भी है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल होंगे, राइट। दो स्टेज का प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ओवरऑल जो वेटेज होगा वो कितना होगा, मेरिट किस बेसिस पे बनेगी, वो भी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर एंट्रेंस है तो 70-30 है, बट अदरवाइज़ ये है आई थिंक वेटेज, राइट। सो इसके इसी तरह से बाकी इन्फॉर्मेशन हैं, सो प्लीज़ इनको देख लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन को। एंड अब हम देखते हैं फेलोशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेक्शन है फेलोशिप से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें ना अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे सबसे पहले तो डिफरेंटली एबल्ड के लिए लिखा है, फिर जो फेलोशिप ST कैंडिडेट्स को मिलती है उनकी इन्फॉर्मेशन है, फिर ये सारी UGC की फेलोशिप्स हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली इनमें से किसी के लिए अप्लाई कर पाएँ, एलिजिबल हो, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, देन स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अवेलेबल होती हैं, आप देख सकते हैं। देन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं, सो यस ये है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी भी है बट बाकी के लिए आपको सेपरेट अप्लाई करने का पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन ये था कि क्या यहाँ फेलोशिप अवेलेबल है। सो नॉन नेट फेलोशिप टू MPhil PhD स्कॉलर्स provides non-net GRF fellowship to bona fide scholars who are pursuing research. तो yes, इसमें तो यही लिखा है कि हाँ non-net PhD fellowship उन scholars को मिलेगी जो of course non-net qualified हैं।
कितना क्या ये अभी नहीं मेंशन है, बट हाँ फेलोशिप मिलेगी एंड ये लिखा हुआ है, तो बस आप इसे पढ़ लीजिएगा, फिर आप जो समझ पाएँ इससे देन मेरिट कम नेक्स्ट वेट मीन्स स्कॉलरशिप भी है। इसके बाद बाकी जो जो फेलोशिप्स मिलती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हैं, सो ये इन जनरल भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो आप इन फेलोशिप्स को सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कई बार होता है कि हम एलिजिबल होते हैं हमें पता ही नहीं होता है, तो आप देखिएगा एंड मैं भी ट्राई करूँगी अगर मैं इन्फॉर्म कर पाऊँ। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो एक बार देख लीजिएगा, PhD स्पेसिफिक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देखी हैं एंड सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक फिलहाल हमारे पास है। अगर आपको लगता है कुछ मिस हुआ है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, बाकी इस प्रोस्पेक्टस को ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो पॉइंट्स थे वो शेड्यूल वगैरह ही था, तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अभी तक, राइट। सो यस गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।